मैं आपकी वीडियो का वेट ही कर रही थी क्योंकि कल की रेमेडी मैंने की तो मुझे काफी अच्छा लगा स्किन पर। तो मैं अब पूरे 21 डेज आपको फॉलो करने वाली हूँ। जी हाँ, 2 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये नेहा जी का कमेंट है जिन्होंने रेमेडी अप्लाई की और उनको बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, बहुत अच्छा लगना है क्योंकि यहाँ पर हम जो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं वो 100% आपकी झाइयों पर वर्क करेंगे, आपके दाग धब्बे पर वर्क करेंगे, आपको जो भी स्किन पर प्रॉब्लम है उस पर वर्क करेंगे। और इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि कोई साइड इफेक्ट होने का चांस ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग भी ये रेमेडी फॉलो कीजिए। हाँ, नेक्स्ट है, सब बस पैक लगाकर बता देते हैं, इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता। तो ये देखिए, ये है कल वाले वीडियो पर कमेंट जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि आपको जो झाइयाँ होती है उसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि जब तक हमें इंटरनली झाइयों को कैसे ठीक करना है इसके बारे में पता नहीं होगा, हम कुछ भी एंशेंट खा रहे हैं और वो हमारे झाइयों पर नुकसान कर रहा है, तो आप ऊपर से फिर कितनी ही एप्लीकेशन कर लो, आप जो मैं बता रही हूँ वो भी कितनी भी एप्लीकेशन कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको हर चीज़ पे फोकस करना है, तब आपको 21 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो ऐसे देखिए, बहुत सारे कमेंट्स से लक्ष्मी शर्मा जी ने कहा है, मैंने डे 1 किया, सुपर रिजल्ट रहा और आज भी मैं करूँगी, थैंक यू फॉर डाइट। सो थैंक यू आप सभी को कि आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं। और आज की जो रेमेडी होने वाली है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे ही हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं जिससे कि आपको एक ग्लास स्किन का लुक मिलेगा, आपकी झाइयों पर काम करेगा, आपके दाग धब्बों पर काम करेगा। और बाकी डिटेल हम आपको वीडियो के अंदर देते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी देखिए, नहाने से पहले मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप अगर आपको कपड़े गंदे होने का रहता है या तो सिर गंदे होने का रहता है तो आप यहाँ पर बैंड लगा सकते हैं, टॉवल यूज़ कर सकते हैं। बट अभी मैं सीधा नहाने जाऊँगी तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। सो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा दही। जी हाँ, ये है दही और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बेसन। हैंड्स आपके क्लीन होने चाहिए, हैंड वॉश होने चाहिए। मैंने हैंड वॉश पहले ही कर लिए हैं। सो आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और आपको अपना फेस क्लीन करना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है। देखो गाइस, यहाँ पर हम जो भी 3-4 स्टेप में काम करने वाले हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने हैं, है ना। अगर आप प्रॉपर इनको तरीके से फॉलो करेंगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अभी आप खुद रिजल्ट देखना, मैंने यहाँ पर कोई मेकअप नहीं किया है। और अगर आप मेरी पहले के वीडियोस उठाकर देखेंगे जिसमें मैं पहले स्किन केयर नहीं करती थी, तो तब वाला फेस और अब वाला जो फेस है उसमें कितना चेंज आया है। फ़ोन वही है, शूट मैं खुद ही करती हूँ, मेरे पास कोई यहाँ पर शूट करने के लिए नहीं होता है, कोई यहाँ पर मैंने लाइट यूज़ नहीं की है, बिल्कुल नेचुरल जो हमारा विंडो है वहीं पर मैं शूट करती हूँ। तो आप खुद रिजल्ट देखिए और उसके बाद में आप फॉलो कीजिए। सो 5 मिनट आपको बेसन से अपना स्किन अच्छे से क्लीन करना है। दही नहीं है तो आप यहाँ पर दूध का यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। और अगर दूध भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन बहुत अच्छा क्लींजर है, आपकी जो भी डेड स्किन होगी उसको भी रिमूव कर देगा और डीपली आपकी स्किन को क्लीन कर देगा, जिससे कि हम जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे ना वो हमारे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो। सो देखिए, फेस क्लीन मैंने कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें क्या करनी है। सो नेक्स्ट हम करेंगे स्क्रबिंग। यहाँ पर मैंने लिया है देखिए आधा टमाटर और इसमें मैं देखिए यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ी सी, ये देखिए ये है शुगर, चीनी के दाने, है ना। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड की है, ज़्यादा भी नहीं करना है। और ज़्यादा अगर मोटा दाना हो शुगर का तो उसको थोड़ा बारीक कर लेना है। और अगर आपकी स्किन पर देखिए पिंपल्स के दाग हैं, एक्ने के दाग हैं, निशान जो रह जाते हैं, अगर वो है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पिंपल्स एक्टिव पिंपल्स हैं तो फिर आपको इसको ना स्कीप कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो जो आपके पिंपल्स हैं वो ब्रेकआउट्स उनमें होंगे और जो बैक्टीरिया है वो चारों तरफ फैल के आपके पिम्पल्स बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो के बीच बीच में ना हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके स्किन के लिए क्या बेस्ट है, तो वो आपको सुनना
करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हल्के हाथ से रब करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं रगड़ना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ रब करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। और देखिए यहाँ पर मैं इसको आइस पर भी अप्लाई कर रही हूँ, बट बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ में। चीनी का दाना आपको बिल्कुल चुभना नहीं चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। सो इसको हमें राउंड राउंड इस तरीके से रब करना है। और देखिए यहाँ पर हमें इसको 10 मिनट तक हमें इसको रब करना है। अगर आपको लगता है कि आपको चीनी चुभ रहा है या किसी भी तरह की ईचिंग या सेंसिटिविटी हो रही है, तो फिर आप इसको टाइम कम कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है लगाते ही, तो फिर आपको ये यूज़ नहीं करना है। वैसे टमाटर में लाइकोपीन होता है, जो कि हमारे झाइयों पर काम करता है, हमारे स्किन को अच्छा बनाता है, ग्लास स्किन बनाता है, जो भी दाग धब्बे होते हैं उनको फेड करता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। आप इसको लिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 4-8 जो अनइवन टोन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को भी थोड़ा अनइवन टोन है, तो यहाँ पर भी मैं इसको इस तरह से एप्लीकेशन करूँगी जिससे कि हमारा टोन इवन हो। इसको भी आप अगर जैसे हमारे 21 डेज़ की रेमेडीज़ है उनके साथ में आप डेली में जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर सकते हैं, या तो फिर आप सिंगल इसको भी 21 डेज़ कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बट अभी आप 21 डेज़ का जो सीरीज़ है वो कीजिए, उससे आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उसमें हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि आपके जो झाइयाँ हैं, आप जिस भी स्किन प्रॉब्लम से परेशान है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसको हमें इस तरीके से रब करना है। आप 10 मिनट इसको रब करेंगे और उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, अपने स्किन पर इसको छोड़ देना है, 5 मिनट के लिए लगे रहने देना है। 5 मिनट के बाद में हमको क्या करना है, देखिए आप ना कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो ये जो विटामिन ई का कैप्सूल आता है, ये कैप्सूल हमको लेना है। ये देखिए ये कैप्सूल हम लेंगे और इसको हम कट करेंगे, ठीक है, और इसको हम इस टमाटर पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो टमाटर पे डालने से क्या होगा, ये हमारे स्किन में एक ग्लो प्रोवाइड करेगा। हमारे स्किन में झाइयाँ क्यों होती है, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन ई की कमी से, एंड D3 की कमी से, ऐसे बहुत सारी कमियाँ हमारे स्किन में होती हैं, तो उसकी वजह से हमें झाइयों की प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये ऑयल इसमें डालना है और इसको हमें मिक्स करना है। अब देखो यहाँ पर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप विटामिन ई ऑयल यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपको लगता है ना कि आपकी स्किन अगर ऑयली है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। आप विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो स्कीप कर देंगे और एलोवेरा जेल आप ऐड कर लेंगे। टमाटर को मैंने थोड़ा सा इसमें इस तरीके से देखिए नाइफ डाला है, जिससे कि ये थोड़ा सा रस इसका बाहर आए। तो इससे आपको 10 मिनट के लिए रब करना है। विटामिन ई अच्छे से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होगा तो वो हमारे स्किन पर बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसीलिए आपको रब रब रब, आप इसको लिड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके आंखों के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और लिड पर आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो अप्लाई करना है और रब करना है इस तरह से। देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, मैं सर्कुलर मोशन में, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह नहीं करना है, वरना ये हमारे रिंकल्स की, झुर्रियों की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे गाल लटकने लगेंगे। तो इसीलिए अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो ये आपके जो मसाज स्टेप्स हैं ये आपके रिंकल्स पर, झुर्रियों पर भी काम करेंगे, आपके लटके हुए स्किन पर भी काम करेंगे। सो फॉरहेड को अच्छे से कवर करना है एंड रब, जो भी यहाँ पर देखिए ये जिन पर, जो लाइन पर, जो हमारे थोड़ा सा डार्क एरिया है वहाँ पर हमें इसको रब करना है। सो आप लोग भी क्या देख रहे हो, लीजिए टमाटर और शुरू हो जाइए, देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। अगर आपकी स्किन पर थोड़ी भी ब्रेकआउट है तो यूज़ मत करना गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
ओके सो 10 मिनट इसकी मसाज कर दी है। इसके बाद में आप देखिए स्टीम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर देखिए वैसे तो आप इसको अभी यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि हमने इतनी मसाज दी है तो हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो गए हैं, उनको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्टीम देते हैं ना तो कंपलसरी आपको लॉक करना है, क्योंकि हमारे स्टीम से ना पोर्स बहुत बड़े बड़े ओपन हो जाते हैं, और अगर हम उनको क्लोज नहीं करेंगे तो उनमें जो बाहर के पॉल्यूशन डस्ट डर्ट जो अंदर जाएगी तो हमारे पोर्स क्लोज हो जाएंगे और आपको एक्ने, पिंपल, मुहासे और स्किन से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको पैक अप्लाई करना है। सो अभी मैं स्टीम यहाँ पर नहीं दूंगी, आप चाहे तो स्टीम दे सकते हैं। और इसके बाद में हमें अप्लाई करना पैक एप्लीकेशन से पहले देखिए यहाँ पर मैं एक बार इसमें थोड़ा सा शहद और ऐड करूँगी, है ना। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा शहद ऐड किया है और इससे भी मैं इस तरीके से मसाज करूँगी। तो ये शहद ना, ये इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और ये टमाटर के साथ मिलकर हमारी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है। आधा टमाटर देखें हमें उसका कितना फ़ायदा मिला है। आधे टमाटर से हमारा स्क्रब भी हो गया, मसाज भी हो गया, एंड अभी हम पैक एप्लीकेशन करेंगे। सो आपको शहद के साथ में कम से कम 10 मिनट मसाज और देनी है, बट लाइट हैंड से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है गाइस। प्रेशर अगर आप देंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है। कोई भी हार्श वाला स्क्रब हमको यूज़ नहीं करना है, चीनी के दाने बिल्कुल सॉफ्ट हों तब यूज़ करने हैं। ज़्यादा टाइटली आपको रब नहीं करना है। तो 10 मिनट हो चुकी है और अभी हम इसको निकाल देंगे। कई साहब बताना देख के कि आपको डिफरेंस लगता है या नहीं लगता है, और यूज़ करते हैं तो भी बताना कि आपको कितना डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि मुझे तो 100% है कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे एंड कमेंट करने से मुझे भी पता चलता है कि आपको रेमेडी पसंद आ रही है, तो मैं भी उसके लिए और ज़्यादा आपके लिए के वीडियो बनाती हूँ। तो हमने रिमूव कर लिया है, इसके बाद में हमें करनी है पैक एप्लीकेशन। सो पैक एप्लीकेशन के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है दही, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर। जी हाँ, ये ऑरेंज पील पाउडर मैंने लिया है, 1 चम्मच मैंने इसको बाउल में ऐड किया है, ये देखिए। और इसका हमें एक थिक सा पेस्ट बना लेना है, ओके। सो ये थिक सा पेस्ट एक रेडी हो गया है, अब इसको हमें हमारे पूरे फेस पर अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरह से। ऑरेंज में विटामिन सी होता है, आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप इसको घर पर रेडी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है ये भी, सो वो भी आप कर सकते हैं। इसको पूरे फेस पर हमें अप्लाई करना है, आईलिड पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, अभी हम इसको रिमूव करेंगे। सो आपको बाउल में पानी ले लेना है या फिर आप डायरेक्टली वॉश कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वॉश करने में पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सो बाउल में पानी लीजिए, स्पंज लीजिए और क्लीन कीजिए। सो ये देखिए, फिर मैं इसको वॉश करके आती हूँ। सो यू कैन सी गाइस, मैंने फेस वॉश कर लिया है और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर आप 21 डेज़ का जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। एंड आप भी ट्राई कीजिएगा। ये मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो गई है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, तो मैंने यहाँ विटामिन ई यूज़ किया, मैंने इसमें दही यूज़ किया, तो दोनों ही हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, हाइड्रेट करते हैं। तो आप भी ये सब ट्राई कीजिए और उसके बाद में रिजल्ट देखिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।